जिंगल बेल्स की घंटी बजने लगी है, कैरोल्स के बोल गाए जा रहे हैं और सांता का इंतजार हो रहा है। ये सब क्रिसमस के आगमन के संकेत दे रहे हैं। और जब क्रिसमस की बात हो रही है तो रांची का संत मारिया चर्च सबसे पवित्र स्थलों में माना जाता है। शांति, उमंग और उल्लास का पर्व क्रिसमस, और क्रिसमस का सबसे पवित्र स्थल ये चर्च। जी हाँ, और जब हम चर्च की बात करते हैं तो इस देश में संत मारिया गिरजाघर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी भव्यता और इसकी पवित्रता अपने आप में ही एक कहानी बताती है। संत मारिया चर्च का निर्माण 1909 में रोमन कैथोलिक के मिशनरीज द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो ऐसा वक्त था जब देश में जुल्म और अत्याचार के कई केसेस सामने आ रहे थे। ऐसे में बेल्जियम से आए मिशनरीज शांति का संदेश चारों ओर दे रहे थे। झारखंड के इस इलाके में भी बेल्जियम के मिशनरीज अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। ऐसे में एक ऐसे प्रार्थना घर की जरूरत दिखी जहाँ से शांति के संदेश को कोने कोने तक पहुँचाया जा सके। इस गिरजाघर को 1909 में बनाया गया है, जिसका हम 2009 में सेंटेनरी जुबली मनाए, शतवर्ष जुबली मनाए। यह जो स्ट्रक्चर है ये रोमन स्ट्रक्चर है, लेकिन इस घर को बनाने वाले, इस गिरजाघर को बनाने वाले हमारे बेल्जियम के जो मिशनरी फादर लोग थे उनके द्वारा बनाया गया। और इस गिरजाघर में बहुत सारे साधु संतों का मूर्ति है जो हमारे लिए आदर्श हैं। इनके सिखाई हुई बातों का अनुरूप हम अपने अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं। जरूर ये सुखी जिस पर हमारा पूरा विश्वास है, आस्था है। सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च झारखंड के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक माना जाता है, जहां 1909 में बेल्जियम से आए कैथोलिक मिशनरीज ने इस चर्च की स्थापना की। और तब से लेकर आज तक कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। आज संत मारिया गिरजाघर में स्थापित प्रभु यीशु की भव्य प्रतिमा अपने आप में हमें इस दुनिया में शांति का संदेश देते नजर आती है। क्रिसमस के मौके पर यहाँ मिडनाइट विशेष प्रेयर का आयोजन किया जाता है। वहीं यहाँ लगे मदर मैरी की मूर्ति भी प्यार और ममता का संदेश देती है। माता मरियम की ये मूर्ति हर वर्ग के लिए एक प्रेम और ममता की तस्वीर पेश करती है, और ये संदेश देती है कि हम सभी उसी ममता की छाव में पले बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रांची का संत मारिया गिरजाघर आज धर्म, विश्वास और अनुशासन की वो तस्वीर पेश करती है जहां एक तरफ सर्वे धर्म का संदेश दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐतिहासिक धर्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हमें अध्ययन करने का मौका देता है। प्रभु यीशु के आगमन से पूरे देश में शांति का पैगाम चारों ओर फैलने लगता है, और यही संदेश आज हमें इस संत मारिया गिरजाघर में भी सुनाई दे रहा है कि हम सभी देश में भेदभाव को भूलकर एक राह पर चलने की कोशिश करें। झारखंड में 17वीं सदी में ईसाइयों का आगमन शुरू हो गया था। ऐसे में तब से लेकर आज तक ये संत मारिया गिरजाघर हमेशा से सभी धर्म के लोगों को आकर्षित करता रहा है। यूं तो हम किसी भी धर्म का पालन करते हो, लेकिन इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आप भी शांति के दूत के नाम पर एक कैंडल जरूर जलाएं अपने दिल और समाज की शांति के लिए।